नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ पूजा। आप देख रहे हैं पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। कर्नाटक के बिदर में ब्रह्म कुमारीज एवं आयुष मंत्रालय द्वारा नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम। डीसी डॉक्टर एचआर महादेव, आयुष मंत्रालय से सीएमसी डॉक्टर शारदा, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके प्रतिमा रही उपस्थित। योग के प्रति रैली निकालकर शहर वासियों को किया जागरूक। उत्तर प्रदेश के चांदपुर में नौनिहालों के लिए बाल विकास शिविर में प्रभारी बीके साधना ने किया मार्गदर्शन। नैतिक मूल्यों को जीवन में शामिल करने का किया आह्वान। मौके पर समाज सेवी नैरफी सावे ने भी बच्चों के प्रति व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं। बीज रूप है, जन्म मरण से न्यारे हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा में अधिकारियों व कर्मचारियों को ब्रह्म कुमारीज ने सिखाया राजयोग। तो मऊ रानीपुर में नगर विकास समिति ने 3 दिवसीय योगा मेडिटेशन के लिए ब्रह्म कुमारीज को किया आमंत्रित। बरुआ सागर के नगर पालिका विद्यालय कैंपस में लोगों ने राजयोग का किया अभ्यास। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के पुलिस ग्राउंड में पतंजलि योग समिति, आर्ट ऑफ लिविंग एवं ब्रह्म कुमारीज द्वारा कार्यक्रम। कलेक्टर राधाकृष्ण गामे, एसपी पंकज देशमुख, जिला परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटिल, डिप्टी कलेक्टर शिल्पा कर्माकर, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोम प्रभा तथा अन्य कई विशिष्ट अतिथि हुए शामिल। अनुलोम विलोम के साथ सभी ने किया राजयोग का अभ्यास। बीके सोम प्रभा ने राजयोग की उपयोगिता पर डाला प्रकाश। इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र पर लोगों ने सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम में की सहभागिता। हरिओम पतंजलि योग साधक अलुमिनी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल महाजन, इंडो जर्मन टूल्स लिमिटेड के वरिष्ठ अभियंता सुधीर कुमार वर्मा, योगा टीचर वर्षा वृंदानी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने किया शुभारम्भ। आओ मिलकर करें सब योग, योग भगाए हम सबके रोग, योग भगाए हम सबके रोग, योग में निहित सहयोग, योग में निहित विचित्र सहयोग, योग करो और रहो। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ध्यान योग प्राणायाम शिविर एवं परिचर्चा का ओपन थिएटर घंटाघर में आयोजन। बिहारी लाल सोनी, रामकुमार साहू, छाया साहू ने अपने विचार किए व्यक्त। जिला प्रशासन द्वारा सीएसईबी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने की सहभागिता। बालकों के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने योग को प्राचीन संस्कृति का बताया प्रतीक। वहीं भैंसमा के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में उप महाप्रबंधक आर के गवेल ने कहा कि आत्मा की मूल शक्तियों को जागृत करता है राजयोग। मध्य प्रदेश छतरपुर में बिजावर के मेला ग्राउंड में योग अभ्यास के साथ साथ देखने को मिला मेडिटेशन का अद्भुत समागम। जहां लोगों की उमड़ी भीड़ ने योग ध्यान कर माहौल को बनाया आध्यात्मिक। वहीं जेपी चौरसिया, बीके पंकज चौबे एवं गिरिजा प्रसाद द्विवेदी तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्राची ने जानकी निवास प्रांगण में किया पौधारोपण। मुंबई के गोराई सेवा केंद्र पर डिवाइन समर कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतिभागी बच्चों ने सीखी कई कलाएं। आदर्श जीवन बनाने के लिए मूल्यवान बनने की दी गई प्रेरणा। बीके पारुल तथा उपस्थित अतिथियों ने किया मार्गदर्शन। सैकड़ों बच्चे हुए लाभान्वित। महाराष्ट्र बीट के आष्टी में एटीएसपी मंडल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में कार्यक्रम। आष्टी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने बच्चों को राजयोग मेडिटेशन की बताई विधि। हेल्दी लिविंग के लिए योग को जीवन का अंग बनाने का आह्वान। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर एस आर निम्बोर, पिंपलेश्वर इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुदनेकर तथा अन्य कई अतिथि हुए शामिल। ब्रह्म कुमारीज के कार्यों से हुए प्रभावित, राजयोग को जीवन में शामिल करने पर दी सहमति। वहीं बीट सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने शासकीय यंत्रणा निकेतन कॉलेज में किया शारीरिक व्यायाम। प्रभारी बीके प्रज्ञा ने योग और राजयोग के बीच का अंतर किया स्पष्ट। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य तथा शिक्षकगण रहा मौजूद। राजस्थान के टोंक में ब्रह्म कुमारी बहनों ने कैदियों को कर्मों की गुह्य गति का दिया ज्ञान। जिला कारागार टोंक में स्थानीय सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके कृष्णा ने कहा, सर्व समस्याओं के समाधान की चाबी है राजयोग। मौके पर जेलर रामदयाल रेगर तथा कई पुलिस कर्मी थे मौजूद। तो आप इस मन योग के साथ आप शारीरिक योग करेंगे तो संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ होगा और संपूर्ण स्वास्थ्य करेंगे हम इन पेड़ पौधे प्रकृति और सारे विश्व को भी सुंदर स्वस्थ बना सकते।
उत्तर प्रदेश सहारनपुर के बेहत में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज ने लगाए निशुल्क योग शिविर। भारतीय योग संस्थान के प्रशिक्षक सत्यपाल ने सिखाए कई योगासन। बीके रानी ने बताया तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के तरीके। कहा अच्छे विचारों से बनेगा जीवन अच्छा। कानपुर के मेहरबानी सिंह पूर्वा तपोवन में आयोजित कार्यक्रम का बीके दुलारी बीके बीना समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। बर्रा टू सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे योग से कराया अवगत। ओडिशा के ब्रह्मपुर में राजयोगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ विषय पर कार्यक्रम। डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीसी पेट्रो ने राजयोग द्वारा जीवन में आए परिवर्तनों को किया साझा। मुख्य अतिथि बिशप सरत नायक ने अपनी देह से डिटैच होकर आत्मिक स्थिति में रहे परमात्मा को याद करने की बताई विधि। मेडिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीसी साहू ने कार्यक्रम के प्रति व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं तो ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल करने पर दिया जोर। बड़ी संख्या में उपस्थित लोग हुए लाभान्वित। महाराष्ट्र पुणे में कात्रज के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल में एकता योग ट्रस्ट आधारवाद सीनियर सिटीजन ग्रुप ब्रह्मा कुमारीज के धनकावाड़ी सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम। बीजेपी विधायक भीमराव तपकीर पार्षद युवराज बलदेरे स्मिता कोंडरे ने की शिरकत। धनकावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा को किया सम्मानित। अतिथियों ने बताया योग सभी के लिए है उपयोगी। स्वस्थ जीवन शैली के लिए दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने की अपील। बड़ी संख्या में आए लोगों ने तन की स्वस्थता के साथ मन को स्वस्थ बनाने की सीखी युक्ति। गुजरात के मालिया हाटीना सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम। सरपंच नटवर सिंह सिसोदिया मालिया चैंबर के अध्यक्ष महेंद्र गांधी ने किया शुभारंभ। बीके बहनों ने जीवन में राजयोग की उपयोगिता पर डाला प्रकाश। योगेश्वर परम टीचर बनकर योग सिखा रहे हैं। वो जो योग है वो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है, तो वो योग हमें नियमित करना चाहिए जिससे तन की बीमारी, स्वस्थ समाज जीवन और तनाव मुक्त जीवन हम जी सकते हैं। इसलिए एक दिन का योग ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, रोज के रहा योग करना चाहिए। तमिलनाडु के नागरकोइल में आर्मी रिजर्व कैंप में 300 महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों को वत्सेरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने सिखाई राजयोग मेडिटेशन की विधि। असिस्टेंट डीएसपी धनदेश्वरन, पतंजलि योग समिति से जी नटरंजन, इंडियन गवर्नमेंट दी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड कास्टिंग डिपार्टमेंट से शिवरामा कृष्णमानी तथा बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग हुए शामिल। कर्नाटक बागलकोट के जामखंडी में लगा फ्री योगासन कैंप। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का किया प्रयास। कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस से धर्मास्टला मंजुनाथ विश्वनाथ हीरेमठ बीके मीरा ने उपस्थित लोगों को योग का बताया महत्व। मुंबई के घाटकोपर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पुलिस स्टेशन कई सोसाइटीज एवं अन्य स्थानों में लगाए गए मेडिटेशन कैंप। 500 से अधिक लोगों को राजयोग एवं शारीरिक व्यायाम द्वारा स्वस्थ रहने की दी प्रेरणा। सब जोन प्रभारी बीके नलिनी वरिष्ठ योग शिक्षक प्रभाकर महात्रे पतंजलि से कई योग शिक्षक एवं प्रचारक ने निभाई मुख्य भूमिका। पुणे के धनकवड़ी स्थित मयूरेश सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा तथा बीके आरती ने तनाव से मुक्त होने के लिए राजयोग को अपनाने का किया आह्वान। मौके पर को मैनेजर प्रियंका समेत कई लोग थे शामिल। कर्नाटक में भालके के अस्तूरे कल्याण मंडप में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम। भालके सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा और कलबुर्गी से बीके शिवलीला ने राजयोग को बताया सहज योग। कहा स्वयं परमात्मा पिता शिव सिखलाते हैं राजयोग। इस उपलक्ष में श्री सिद्धराम बेलदल स्वामी टीएमसी के अध्यक्ष विलासपुरी समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने किया योगासन। सैकड़ों लोग हुए लाभान्वित। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन संजय भाटिया ने परंपराओं का सम्मान करने पर दिया जोर। तो पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला ने कहा कि हम सभी समाज की इकाई हैं, इसलिए स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लें।
हालांकि हम में से कुछ स्वार्थी लोगों ने उन परंपराओं को अंधविश्वासों में बदल दिया। उस अंधविश्वासों में भी सुधार करने में समय समय पे आर्य समाज, हमारा ब्रह्मा कुमारी, उस मिशनों ने उन अंधविश्वासों को तोड़ा, लेकिन उन परंपराओं के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट था। इस तरह की बातों का अगर हम सब संकल्प होकर अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए ले चलें, मेरा यही आप सबसे संदेश है। हम सब सभी समाज की इकाई हैं, सभी लक्ष्य रखे कि हम अपने आप को परिवर्तन करते जाएं, मनसा भी शुद्ध पवित्र हो, विचार भी बड़े ऊंचे हो, लक्ष्य भी बड़ा ऊंचा हो, तो बाबा तो हमारे साथ है ही है। जो इस समय विश्व का परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो हम सब उनके साथ सहयोगी बन करके इस कार्य को शीघ्र संपन्न करेंगे। ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने भी किए अपने विचार व्यक्त। श्रीमत प्रमाण है तो फिर समझो मैं बाबा के सचमुच एक सुकर्मी आत्मा बन गए। बाबा ने कहा विकल्प छू भी नहीं सकता। कितने सुंदर बाबा ने टाइटल दिए, विक्रमा बच्चे तुम विक्रमा जीत, विक्रम सन्यासी और सुकर्मिया, ये तीन टाइटल याद रखना जो बाबा ने मुरली में। मैं विक्रमा जीत, विक्रमों को जीतने वाला, तो विकल्प आ नहीं सकता। इजी राजयोगा मेडिटेशन फॉर यूनिवर्सल पीस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोग थे उपस्थित। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु तथा बीके सुनीता समेत अन्य लोगों ने की फिजिकल एक्सरसाइज। मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में राजयोग की उपयोगिता पर हुई चर्चा। अतिथियों ने कहा मन और शरीर को जोड़ने का कार्य करता है योग। वहीं बीके कुंती ने आत्मा की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए राजयोग को बताया एकमात्र जरिया। कि अपना माइंड और बॉडी को जो जोड़ने वाली वस्तु है, माइंड को स्वस्थ रखने का है, चित्त को स्वस्थ रखने का है, तो योगा वो चीज कर सकता है। और दूसरा चीज है योगा के अंदर मन एकदम शांत होता है, स्वस्थ होता है, अश्लील नहीं होता है और अपना अच्छी तरह से योगा करने से बहुत अच्छी फायदा होता है। जब हम चैलेंज में जाएंगे तो हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा की जागृति होती है और नई ऊर्जा की जागृति के लिए जो चैलेंज कहा माना वह भी एक प्रकार का योग है। इसको भगवान ने गीता के अंदर भी कहा कि हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस सर्व धर्म को माना देव में जो कार्य कर रहे हैं उस समय धर्मों को छोड़ना या देव के संबंधों को छोड़ना नहीं कहा, लेकिन जब उस एक को हमें याद करना है तो उस समय इन सब बातों को भूल जाओ। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर नरेंद्र, एडवोकेट अनिल मेहता, मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती समेत उपस्थित सभी लोगों ने किया लाफिंग फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज। गुजरात सूरत के वराछा सेवा केंद्र और नगर परिषद द्वारा कई वीआईपीस के लिए रिलैक्स, रिस्टोर एंड रिजुविनेट विषय पर कार्यक्रम। डॉक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, बिजनेसमैन व कई ट्रस्टियों ने लिया हिस्सा। कामरेज सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीमा ने कहा राजयोग द्वारा ही कर्मेंद्रियां बनेंगी शांत। कॉर्पोरेटर रसीला समेत कई गणमान्य लोग हुए उपस्थित। तो स्कूली बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में तकरीबन 800 बच्चों ने उमंग उत्साह से लिया हिस्सा। योग के महत्व से सभी हुए अवगत। नवी मुंबई में सेंट मैरीज जोस इंटरनेशनल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के भव्य ऑडिटोरियम में प्रोग्राम। कॉलेज के प्राचार्य ग्रोवर ने ब्रह्मा कुमारीज को किया आमंत्रित। बच्चों को राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर बीके बहनों ने दिया प्रशिक्षण।
मौके पर वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, सानपाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुभांगी, बीके प्रीति ने उपस्थित सैकड़ों बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाने की दी सलाह। जैसे हम किसी को याद करते हैं और वो व्यक्ति हमें रास्ते में मिल जाता है, तो हम कहते हैं इतना बड़ा योग है, आज हमने आपको याद किया और आप भी हमें। विभिन्न सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने बच्चों को कराया मेडिटेशन। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के हैदरपारा सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम, डॉक्टर पुनीत मेहता ने राजयोग मेडिटेशन से होने वाले लाभों की दी जानकारी। तो सेवा केंद्र प्रभारी बीके केशर ने कहा, राजयोग से न केवल मनुष्य स्वस्थ बनता है बल्कि पुराने पाप कर्म भी होते हैं नष्ट। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस योगा विषय पर कार्यक्रम, डॉक्टर सुब्रत कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी व यूनिट 1 की प्रभारी बीके लीना ने श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने में राजयोग की भूमिका को बताया अहम। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में कैंपस के बच्चे तथा उनके अभिभावकों के लिए भी कार्यक्रम, बीके डॉक्टर सुब्रत कुमार, बीके दुर्गेश नंदिनी, डॉक्टर सुशी कुमार तथा बहागाबन बहरा मुख्य रूप से हुए शामिल। यूनिट 3 के केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रेस फ्री रहने की सिखाई गई युक्ति। इन अ कोपिंग एबिलिटीज रेस दैट इट कॉजेस स्ट्रेस एंड व्हेन आउटर प्रेशर इज मोर देन इनर कोपिंग एबिलिटी वी ऑल यूज टू फील एंड फेस स्ट्रेस। दुमदुमा उपसेवा केंद्र पर भी हुआ आयोजन, नन्हे बच्चों समेत उपस्थित अन्य लोगों ने किया शारीरिक व्यायाम, मेडिटेशन करने की भी बताई गई युक्ति। आश्रय और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के निदेशक विनायक पिल्लाई समेत करीब 150 लोग थे उपस्थित। पंजाब के बल्टाना में अलविदा तनाव एवं मेडिटेशन शिविर का आयोजन, जीरकपुर कमेटी के प्रधान कुलबिंद्र सोही, राम विहार की प्रधान शकुंतला, समाज सेवक ओपी सिंगला सहित नगर के गणमान्य सदस्य रहे मौजूद। प्रभारी बीके सुमन ने बताई तनाव मुक्त जीवन बनाने की विधियां। कहा, जीवन रूपी यात्रा में सकारात्मक चिंतन है आवश्यक। आज हम खुद को परिवर्तन करने की सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करते हैं। नेपाल में प्यूठान बागदुल्ला के मच्ची में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर सेमिनार, बाल शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए आयोजित। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा, नैतिक मूल्यों की धारणा से ही समाज में आएगा बदलाव। प्राचार्य रूशी राम पोखरेल, सहायक शिक्षक गोपाल गिरी समेत अनेक बच्चों ने जाना जीवन में मूल्यों का महत्व। झिमरुक मल्टीपल कैंपस में भी नैतिक मूल्य और सकारात्मक चिंतन विषय पर चर्चा, नागेश्वर चंद सुबेदी, सहायक शिक्षक इंद्रमणि पोखरेल समेत अन्य लोग रहे मौजूद। बीके भगवान ने बताया खुशनुमा जीवन जीने के तरीके, कहा विद्या लेने के बाद जीवन में विनम्रता है आवश्यक। जीवन एक वृक्ष है और इसी वृक्ष में ये नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक शिक्षा अधूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के अंदल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के CISF जवानों के लिए हैप्पीनेस एट वर्कप्लेस विषय पर कार्यशाला, दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने की शिरकत। जवानों को भारत के प्राचीन राजयोग से कराया अवगत, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता थी मौजूद। खबरें नॉनस्टॉप में बस इतना ही, 20 मिनट में 50 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।